नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से इंडियन आइडल 12 लगातार विवादों में छाया हुआ है। कंटेस्टेंट से लेकर जज तक कई मौके पर ट्रॉल हो चुके हैं। शो में आने वाले गेस्ट जजों पर भी कंटेस्टेंट की जबरदस्ती तारीफ करने के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले काफी वक्त से इंडियन आइडल 12 पर पक्षपाती और गलत फैसले लेने का भी आरोप लग रहा है, जिस पर अब होस्ट आदित्य नारायण ने जवाब दिया है। आदित्य नारायण ने पहले भी इंडियन आइडल 12 का बचाव किया है और अब एक बार फिर वो इस शो के पक्ष में खड़े हैं। एक इंटरव्यू में आदित्य नारायण ने कहा कि जजों पर कंटेस्टेंट की तारीफ करने का कोई प्रेशर नहीं है। आदित्य नारायण ने कहा, शो खत्म होने में बस 4 हफ्ते बचे हैं और हम इस सीजन को प्यार और पॉजिटिविटी के साथ खत्म करना चाहते हैं। कंटेस्टेंट्स के बारे में अच्छी बातें बोलने और तारीफ करने के लिए जजों पर कोई दबाव नहीं दिया जाता है। आदित्य नारायण ने आगे कहा, जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि उन्हें इंडियन आइडल कंटेस्टेंट के बारे में पॉजिटिव बोलने और तारीफ करने के लिए बोला गया, वो सभी कलीग और दोस्त हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक मैं इंडियन आइडल होस्ट कर रहा हूँ, तब तक उन्हें यहाँ किसी की भी फॉर्मेलिटीज के लिए तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं वही रहिए, जो आप कहना चाहते हैं वही कहें, बस हमारे शो पर आइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं सिर्फ अपने लिए बोलता हूँ, मैं अन्य सीजनों के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि तब टीम या प्रोडक्शन एकदम अलग था। इसके साथ ही आदित्य नारायण ने कहा कि इंडियन आइडल 12 बीते 10 सालों में अब तक का सबसे सफल सीजन रहा है और प्रोड्यूसर्स के साथ साथ शो की पूरी टीम इस सक्सेस से बहुत खुश है। आदित्य ने कहा कि नेगेटिविटी के बजाय वो पॉजिटिविटी पर फोकस करना चाहते हैं। 12वां सीजन सबसे सफल सीजन रहा है। इंडियन आइडल का सीजन 12 जल्द ही खत्म होने वाला है। जल्द ही इस शो का ग्रैंड फिनाले आने वाला है। शो के आखिरी 4 हफ्ते बचे हैं और इस बार का ग्रैंड फिनाले शानदार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।